के साथ है और कुछ एक कॉमोडिटीज हरे निशान पर भी कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। कल जिस कॉमोडिटीज के अंदर 5 से 6% का उछाल था, आज वो 1-1% की गिरावट दिखाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कैस्टर की। कैस्टर लगातार एक सीमित दायरे में डिमांड फिलहाल सुस्त होती दिखाई दे रही है। निर्यात मांग जरूर तेजी पकड़ी थी और उसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिला था, लेकिन अभी वापस से जो नवंबर वायदा है वो 6200 के नीचे आ चुका है। तो यहाँ से कैस्टर के अंदर 6000 के सपोर्ट के साथ अभी भी बाजार जो है सीमित दायरे में है। ऊपर में 6200 से लेकर 6500 की रेंज अभी भी दिखाई दे रही है कि बाजार छू सकते हैं। वहीं अगर बात बिनोला खल की जाए तो बिनोला खल आज लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है, 0.5% की गिरावट, 11 अंकों की गिरावट के साथ दिसंबर वायदा फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कॉटन के अंदर अभी जिस तरीके से देख सिनेरियो इंटरनेशनल मार्केट्स में सिनेरियो देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट का जो फंडामेंटल है वो काफी सपोर्टिव नजर आ रहा है और उसके चलते बिनोला खल के अंदर भी तेजी बन सकती है। जो भी डिप मिलती है बिनोला खल में खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। 2500 के नीचे अगर बाजार लुढ़कता है तो वहां पर बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसके अंदर बाय करके चला जा सकता है। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि बिनोला खल के अंदर तेजी बन सकती है और कीमतें एक बार 2600 के ऊपर जा सकती हैं। वहीं अब नजर डालें अगर मसालों के ऊपर तो मसालों में भी उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। मसालों के अंदर धनिया जो 8000 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था, 8000 से लुढ़क चुका है और एक बार फिर से 8000 के नीचे नवंबर वायदा, लेकिन दिसंबर वायदा में तेजी का रुझान अभी भी उम्मीद है कि देखने को मिल सकता है। अक्टूबर वायदा एक्सपायरी के बेहद करीब, लेकिन नवंबर भी वायदा ऊपरी स्तरों से फिसल चुका है। नीचे में अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो 7800 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगले हफ्ते बाजारों में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। धनिया के साथ साथ अगर देखा जाए तो जीरा एक रेंज बाउंड है, लेकिन आज जीरा 15000 के ऊपर निकल सकता है। नवंबर वायदा अक्टूबर वायदा भी 15000 के ऊपर के स्तरों को छू सकता है। जीरे के साथ साथ अगर बात की जाए हल्दी की तो हल्दी में गिरावट है। हल्दी दरअसल क्वालिटी इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं और अराइवल भी अच्छी खासी है मंडियों के अंदर, इसलिए हल्दी का बाजार उठ नहीं पा रहा। फिलहाल हल्दी के अंदर सुस्ती का माहौल है, लेकिन 7000 का सपोर्ट है। 7000 का सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होता तो हल्दी में वापिस से बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज 7200 से लेकर 7500 के घरों में कारोबार करती हुई हल्दी दिखाई दे सकती है। नवंबर वायदा की बात करें तो नीचे में 7200 से 7000 की रेंज, ऊपर में 7500 से 7800 की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए खाद्य तेलों की तो खाद्य तेलों के अंदर काफी उठापटक का माहौल है। सरसों जहां गिरावट दिखाती हुई पहले नजर आ रही थी अब वो संभली है। रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में भी आज थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए सोयाबीन की तो सोयाबीन अपने ऊपरी स्तरों से फिर से लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि खाद्य तेलों के अंदर फिलहाल खरीदारी की रणनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार काफी कदम उठा रही है खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए। आगे त्योहार आने वाले हैं और त्योहारों के मद्देनजर इनकी डिमांड के चलते प्राइसेस कहीं आसमान ना छू जाएं, इसके लिए सरकार ने पहले ही कमर कस ली है और सरकार लगातार खाद्य तेलों को लेकर चौकन्नी है और डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि खाद्य तेलों में फिलहाल खरीदारी से बचना चाहिए और जिनके पास भी माल रखा है मेरे हिसाब से उनको धीरे धीरे ऊपरी स्तरों पर लिक्विडेट करते रहना चाहिए। और आज इंटरडे में भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सरसों मैक्सिमम तेजी दिसंबर वायदा 8500 तक पकड़ सकता है। सोयाबीन ऑयल की बात करें तो 1340 तक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है। वहीं अगर सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन ऊपर में 5600 से लेकर 5800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अब ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन सोयाबीन नीचे में 5000 के भी घर दिखा सकता है। तो सोयाबीन के अंदर और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और सरसों इन सभी कमोडिटीज के अंदर फिलहाल खरीदारी से बचें। जो भी ऊपरी स्तर देखने को मिले उसमें मार्केट से पोजीशनें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए ग्वार की तो ग्वार के अंदर भी अभी जो उठा पटक का माहौल देखने को मिल रहा है, लगातार 10000 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब, लेकिन आज ऊपरी स्तरों से लुढ़की है। 1-1% बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। गम भी लुढ़क चुका है 11000 के ऊपरी स्तरों से, तो वहीं सीड भी लुढ़का है। अभी थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सीड जो 6200 के ऊपर जा चुका था अब 6100 के नीचे लुढ़क चुका है नवंबर वायदा, और अब यहाँ पर 6000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। आज गम भी नीचे में 10000 के आसपास लुढ़क सकता है, यानी आज ग्वार गम और ग्वार सीड में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होते हुए नजर आ सकती है। हो सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ग्वार के अंदर अब गिरावट बनती हुई दिखाई दे, क्योंकि जो एक तरफा तेजी आई थी अब वो कहीं ना कहीं एक बार पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बाजारों में अभी भी तेजी है और ये कॉन्टिन्यूशन में तेजी बनी रह सकती है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बाजारों के अंदर सेंटिमेंट पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, तो ग्वार के अंदर इंट्राडे में भी क्वाली की जा सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी 10000 के नीचे मिले तो गम बाय किया जा सकता है। सीड 6000 के नीचे
नीचे यानी कि 5800 के आसपास मिले तो उसके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। ओवरऑल अगर अब आज हम एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर काफी उठा पठा का माहौल है, काफी कमोडिटीज के अंदर गिरावट भी है और कुछ कमोडिटीज में खरीदारी भी है। तो ऐसे में आज कौन सी ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो मुनाफा दे सकती है? तो बहरहाल आज लग रहा है कि बिनोला खल के अंदर खरीदारी की जा सकती है। बिनोला खल के साथ साथ आज हो सकता है आपको जीरा भी मुनाफा देता हुआ दिखाई दे, तो जीरे के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है।